हाय दोस्तों, मेरे वीडियो का यह मेरा पहला आवाज़ मैंने देने का कोशिश किया है। आज मैंने मॉर्निंग वॉक एक ब्लॉग के रूप में बनाया है और मैं काफ़ी अच्छा एक ऐसे जगह से मैंने आज मॉर्निंग वॉक प्रस्थ का शुरुआत किया है जहां आप लोग देखेंगे कि एक काफ़ी अच्छा सीन, प्रकृति का नज़ारा, रोड के दोनों साइड हरियाली और काफ़ी अच्छा जगह जो कि सुबह सुबह यहाँ पर आपको आनंद का अनुभव होगा, काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। आपको लगेगा कि यहाँ जब आए हैं तो यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि सारे लोग शहरी ज़िंदगी में, भागदौड़ के ज़िंदगी में थककर इस तरह के नज़ारे खोजते हैं। मुझे लगा कि क्यों नहीं इस बेहतरीन नज़ारों के मॉर्निंग वॉक का आज एक ब्लॉग बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए। वैसे मैं प्रतिदिन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ, आज मुझे लगा कि नहीं चलो कुछ वीडियो बना लिया जाए। आप लोग को दिखाएंगे रोड के दाहिने साइड में, आप लोग देखेंगे कितने सुंदर सुंदर हरियाली, हरे भरे, और इस रोड के दाहिने साइड जब आप लोग हरे भरे हरियालियों को देख रहे हैं, आप देखेंगे दाहिने कट है, बड़ा सा गेट है, लेकिन ये गेट क्या चीज़ का है ये चूँकि मैं बता सकता हूँ लेकिन बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कमेंट्स बॉक्स में चाहता हूँ कि ये जानकारी मुझे मिले कि मैं जहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ यह कौन सा जगह है। कुछ सीन भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ साथ में आप लोगों के जानकारी के लिए, ताकि आप लोग इसको देख करके पहचान भी जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ आए भी हों। काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह, मन को शांति मिलेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि यहाँ पर शहर के गाड़ी घोड़ा और प्रदूषण से हटकर काफ़ी बेहतरीन प्रकृति का नज़ारा मिलेगा, जहाँ पर आप लोग मॉर्निंग वॉक के साथ साथ में बैठ सकते हैं शांति से, एक पार्क टाइप का, और फिर देखेंगे कि दाहिने में कट है जहाँ एक गेट है, ये कट जहाँ पर मॉर्निंग वॉकर आकर के एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी तत्काल यह गेट बंद है, एंट्री होता है कुछ यहाँ, वो हम आप लोगों को अभी नहीं बता रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप लोगों के थ्रू हमको ये फीडबैक मिले। दोस्तों आगे आप जब इस वीडियो में कुछ दूर आगे बढ़ेंगे, एक बेहतरीन स्टेट म्यूजियम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये स्टेट म्यूजियम कहाँ का है, राज्य संग्रहालय ये कहाँ का है आप लोगों को बताना है मुझे, काफ़ी अच्छा दोस्तों। तो वहाँ भी मैंने एक सीन को कट किया है, सिर्फ प्लेस स्थान कि कहाँ का है, इसलिए ताकि मैं आप लोगों के थ्रू ये जान सकूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीन मैंने लेने का कोशिश किया है यहाँ पर। वैसे मेरा यह चैनल बेस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर मैं इसी तरह का वीडियो आए दिन बनाया करता हूँ, एक अलग चैनल है मेरा नॉलेजेबल एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं कुछ नॉलेज शेयर करता हूँ प्रतियोगिता परीक्षा से आधारित। लेकिन ये जो मेरा चैनल है ये कम्प्लीटली नेचर पर आधारित है, इसलिए मैंने आज इस शानदार सुंदर सा नेचर प्रकृति का वीडियो बनाया। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए प्रतिदिन यहाँ आता हूँ और लगभग 40-45 मिनट मॉर्निंग वॉक इधर करता हूँ। थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, रोड है मॉर्निंग में गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, शाम को थोड़ा ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि यह जो रोड है वो सामने आप लोग देख रहे होंगे जिधर से रोड गया है, तो वो भी एक हाईवे को जोड़ता है, एक अलग स्टेट को जोड़ता है और पीछे भी हाईवे को जोड़ता है जो मेन हाईवे है। अब हम लोग दोस्तों पहुंचने जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहां आप लोगों को दाहिने साइड में कुछ दीवारें दिख रही होंगी, लेकिन उसके साथ में सुंदर सुंदर हरियाली और प्रकृति के बीच में छोटे छोटे पौधे, देखिए कितना शानदार दिख रहा है ये रोड, दोनों रोड के दोनों साइड सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने के बाद मुझे काफ़ी ताजगी मिलती है, दिन भर अपने आप को तरोताजा समझता हूँ, उसके बाद आप हमसे काम करवा लो,
10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा थकावट नहीं आती मुझे। तो अब हम लोग पहुँचने जा रहे हैं, जस्ट आप लोग देखेंगे राजस्थान है, जिसका नाम बताना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, इससे क्या होगा कि मैं अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके का वीडियो आप लोगों को भेजता रहूँगा, आप लोगों के पास मेरे सारे वीडियो पहुँचते रहेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये प्रकृति जो मुझे अंदर से आनंदित करता है। आप सभी को लोग समय निकाल करके पार्क में जाते हैं बैठने। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं राइट साइड कुछ घर दिख रहा है आपको, दीवार में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखेंगे आपको, सुंदर सुंदर पौधे, हरियाली, ये पेंटिंग्स सामने नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, पेड़ पौधे। और अब आप लोगों को ये राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम भी दिखेगा दोस्तों। बस यही आपको पहचानना है, बताना है ये कौन सा राज्य संग्रहालय है, कहाँ का है, और ये कमेंट्स बॉक्स में है आप लोग मुझे भेजेंगे। याद रखिएगा मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले।